वेलकम स्टूडेंट मैं हूं तांडे सर तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों रेलवे के द्वारा रिसेंटली एनसीआर प्रयागराज अप्रेंटिस की फोर्थ मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है जिसकी टोटल पोस्ट थी सोलह और डियर कैंडिडेट इसमें एनसीआर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज के द्वारा फोर्थ मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है बहुत से कैंडिडेट इसका इंतजार कर रहे थे अब डियर कैंडिडेट वो इंतज़ार खत्म हो गया है एनसीआर प्रयागराज की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है बहुत से कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग भी ले लिया है अब डियर कैंडिडेट इसकी यदि पूरी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो एनसीआर प्रयागराज के द्वारा अप्रेंटिस की फोर्थ मेरिट लिस्ट जारी की गई है इसमें एनसीआर प्रयागराज अप्रेंटिस की फोर्थ मेरिट लिस्ट में आई पास कैंडिडेट के लिए सोलह पोस्ट पर अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई थी जिसका ऑनलाइन फॉर्म भराया गया था चौदह बारह दो को और एनसीआर प्रयागराज अप्रेंटिस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ, के लिए दो हज़ार पाँच सौ सत्तावन कैंडिडेट को बुलाया गया था अट्ठाईस बारह दो हज़ार तेईस को ठीक है अब जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छब्बीस बारह दो हज़ार तेईस को कराया गया था मतलब छब्बीस बारह दो हज़ार तेईस से तीन एक दो हज़ार चौबीस तक कराया गया था अपसेंट कैंडिडेट को चार एक दो हज़ार चौबीस को फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था अब अधिक अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति के कारण खाली जो स्लॉट थे उसमें सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट जारी की गई थी अब एनसीआर प्रयागराज अप्रेंटिस की सेकेंड डॉक्यूमेंट वे वेरिफिकेशन के लिए छब्बीस दो दो हजार चौबीस को बुलाया गया था अब डियर कैंडिडेट इसके बाद एनसीआर प्रयागराज अप्रेंटिस की ज्वाइनिंग होने के बाद एक सौ तेईस कैंडिडेट का थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिर से बुलाया गया था बाईस पाँच दो हज़ार चौबीस को और अभी भी स्लॉट खाली होने के कारण बहत्तर कैंडिडेट के लिए मतलब बहत्तर कैंडिडेट को फिर से फोर्थ मेरिट लिस्ट जारी की गई है और उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया तो है तो ये फाइनल मेरिट लिस्ट है डियर कैंडिडेट ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है आई आई पास कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिस करने का चलिए अब इसमें हम देखते हैं इसमें रेलवे जो जोन है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है रिक्रूटमेंट टाइप है अप्रेंटिस टोटल पोस्ट है सोलह क्वालिफिकेशन है आईटीआई आई पास एप्लीकेशन मोड है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है पंद्रह ग्यारह दो हज़ार तेईस को इसका एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट थी एप्लीकेशन की लास्ट डे थी चौदह बारह दो हज़ार तेईस को और फर्स्ट मेरिट लिस्ट छब्बीस बारह दो हज़ार तेईस को है रिमेनिंग मेरिट लिस्ट देखेंगे तो अट्ठाईस बारह दो हज़ार तेईस का है इसका और सेकेंड आ, जो मेरिट लिस्ट जारी की गई थी वो बाईस दो दो हज़ार चौबीस को जार जारी किया गया था थर्ड मेरिट लिस्ट चौदह पाँच दो हज़ार चौबीस को जारी किया गया है और ये फिफ्थ जो मेरिट लिस्ट है सॉरी फोर्थ जो मेरिट लिस्ट है ये पच्चीस सात दो हज़ार चौबीस को जारी किया गया है बहत्तर लोगों की तो डियर कैंडिडेट ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है अब चलिए इसमें देखते हैं एन सी आर प्रयागराज अप्रेंटिस की इंपॉर्टेंट डेट्स तो फोर्थ मेरिट लिस्ट की पच्चीस सात दो हज़ार चौबीस ये डेट्स है इसकी इम्पॉर्टेंट अब यहाँ पर देख लेते हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस का सिलेक्शन की प्रोसेस क्या थी तो फर्स्ट स्टेज में मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द टेंथ क्लास मार्क्सशीट और आई टी आई के मार्क्स के अनुसार हुआ था और सेकेंड स्टेज थी डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन थर्ड था मेडिकल एग्जामिनेशन ठीक है अब डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना था इसमें बता दूँ मैं आपको तो प्रूफ आप फोटो आइडेंटिटी आधार कार्ड पेन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस सेकेंड था सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ टेंथ स्टैंडर्ड और इट्स इक्वेलेंट सर्टिफिकेट आप मार्कशीट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ तो आपको पता है की टेंथ की मार्कशीट लगती है फिर टेंथ की मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको पूरे लगेंगे फिर आई की मार्कशीट पूरी लगेगी कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा एस सी एस और पी कैंडिडेट को सर्टिफिकेट लगेगा ई को कोई कैंडिडेट है तो ई का सर्टिफिकेट लगेगा और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट सर्विंग सर्टिफिकेट इन केस ऑफ द एप्लीकेंट अप्लाइड अगेंस्ट द एक्स सर्विस मैन कोटा में कोई है तो लगेगा और नहीं तो फ्रेशर को नहीं लगेगा हाँ लेकिन मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो जरूर लेकर जाना आप तो आर सी एन सी आर प्रयागराज के द्वारा अप्रेंटिस की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एड्रेस की जो डेट है वो डेट को अच्छे से ध्यान से आप देख लें सबसे पहले तो फोर्थ जो मेरिट लिस्ट जारी की गई है इसमें डेट है तेईस सात दो हज़ार चौबीस को जारी किया गया है ठीक है फोर्थ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है वो पच्चीस सात दो हज़ार चौबीस से स्टार्ट हो जाएगा एड्रेस दिया हुआ है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल बाकी ठीक है बाल्मीकि चौराहा नवाब यूसुफ रोड नियर बालापुर कॉलोनी सिविल लाइंस प्रयागराज और ये इसका टू वन वन ज़ीरो ज़ीरो वन इसका पिन कोड है टाइमिंग दिया है दस बजे से ये एड्रेस है जो भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है अभी लिस्ट हम आपको दिखाएंगे लिस्ट में जिस जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है वो दस बजे प्रयागराज की इस एड्रेस पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएगा अब इसमें एन प्रयागराज अप्रेंटिस की जो है मेरिट लिस्ट हमने जारी कर दिएगा थर्ड और फोर्थ हम दोनों बता देंगे फोर्थ मेरिट लिस्ट भी जारी की गई है और फोर्थ मेरिट लिस्ट में जिसका नाम होगा आप चले जाइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों ये पीडीएफ है और इस पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं डियर कैंडिडेट रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के द्वारा आवश्यक सूचना जारी की गई है इसमें एक्ट अप्रेंटिस जोनल नोटिफिकेशन एक दो हजार तेईस के अंतर्गत शिक्षुओं के प्रशिक्षण के संबंध में लिखा गया है और इसमें दस्तावेज के सत्यापन के लिए बहत्तर अभ्यर्थियों का आ, को मौका फिर से दिया गया है ठीक है अब ये जो लिस्ट है प्रथम द्वितीय तृतीय चरण के दस्तावेज सत्यापन के पश्चात अनुपस्थित होने वाले कैंडिडेट के बाद में चतुर्थ स्तर के दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया गया है तो एक चीज़ याद रखेंगे ये फोर्थ मेरिट लिस्ट है फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी की थी सेकेंड भी जारी किया गया था और थर्ड भी मेरिट लिस्ट जारी की गई है ये फोर्थ मेरिट लिस्ट के बारे में जो डेटा दिया हुआ है ये 25 सात 2024 को जारी किया गया है अब इस लिस्ट को यदि हम देखें डियर कैंडिडेट अधिक जानकारी के लिए आप ये जो है इस पर उपलब्ध है वेबसाइट है www.rrcpryj.org डॉट आर आर सी पी आर वाई जे डॉट ओ आर जी पर आप इस पी डी एफ को डाउनलोड कर सकते हैं चलिए पी डी एफ देखते हैं डियर कैंडिडेट रेलवे के द्वारा थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद में फोर्थ मेरिट लिस्ट जारी की गई है और सभी ट्रेड uh, के कैंडिडेट जिस जिस का इसमें नाम है वे कैंडिडेट प्रयागराज में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे यहाँ पर पूरी लिस्ट दी हुई है जिस जिस का सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर इस पीडीएफ में uh, नाम दिया हुआ है जैसे संतोष दीपक संतोष सोनवा ने ये जो कारपेंटर ट्रेड से कैंडिडेट तो ये लिस्ट दी हुई है इस लिस्ट के आधार पर आप चेक कर लें कि जिस, जिस का सिलेक्शन हुआ है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा तो डियर कैंडिडेट ये जो पी है इस पी में अपना नाम चेक करने के लिए पी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है वहाँ से आप डाउनलोड करके अच्छे से आप उसको चेक कर सकते हैं चलिए देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जैसे कारपेंटर ट्रेड के ओबीसी यूआर सी एस सी सभी कैटेगरी के कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है तो कारपेंटर इलेक्ट्रीशियन देख लीजिए यहाँ पर कारपेंटर के चार कैंडिडेट हैं फिर इलेक्ट्रीशियन के कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है वैसे ही आप देखेंगे तो फीटर ट्रेड के कैंडिडेट का भी सिलेक्शन हुआ है ठीक है जैसे मोनू हो गया विशाल कुमार हो गया दुर्गेश सूरज भागचंद ये सारे कैंडिडेट का फीटर ट्रेड से सिलेक्शन से हुआ है उसके बाद वैसे ही देखेंगे तो फोर्थ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फोर्थ लिस्ट है मशीनिस्ट ट्रेड के कैंडिडेट का भी हुआ है मैकेनिक डी एस एल कैंडिडेट का भी सिलेक्शन हुआ है आप नाम चेक कर सकते हैं हाँ कमेंट करके ज़रूर बताएं जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है वो अपना नाम हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ है तो इसमें स्टेनोग्राफर वायरमैन वेल्डर ट्रेड गैस एंड इलेक्ट्रिक सभी कैंड ट्रेड के कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है ध्यान दीजिएगा इसकी दो पी है दोनों पी को आप अच्छे से चेक करेंगे जिसमें से एक पी थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है और ये जो पीडीएफ है ये फोर्थ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट की लिस्ट है जैसे बोला गया था कि सेवेंटी टू कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है तो आप सीरियल नंबर से चेक कर सकते हैं फोर्टी फाइव के बाद में फोर्टी सिक्स से लेकर सेवेंटी टू तक जो कैंडिडेट का नाम है लास्ट में दिव्या भारती पटोरकर ठीक है ये वायरमेंट ट्रेड से इन्होंने इनका सिलेक्शन हुआ है एसटी कैटेगरी में तो सेवेंटी टू कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई है डियर कैंडिडेट ये जो लिस्ट है इस लिस्ट के आधार पर जिसका भी नाम इसमें लिखा हुआ है ये समझिए कि उसी का सिलेक्शन हुआ है और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं डियर कैंडिडेट ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्वस्थ रहें मस्त रहें मुस्कुराते रहें जय हिंद